वर्तमान कांग्रेस सरकार का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला बजट अपना आज पेश किया है विधानसभा में, और इसमें जिक्र किया गया है कि धर्मशाला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं धर्मशाला से ही कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा। सर, बजट पेश हुआ है, पहले इस पर आपका ओवरऑल रिएक्शन जानना चाहूंगा, और उसके बाद धर्मशाला को कैपिटल, जो टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात हुई है, आपको लगता है कि वहाँ टूरिज्म इसे बूस्ट होगा और नए स्कोप जो है वहाँ पर रोजगार के भी पैदा होंगे? देखिए, बहुत अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उनका पहला बजट था, और पूरे प्रदेश को एक नज़र से देखते हुए उन्होंने इसमें योजनाएं दी हैं। और जो कांगड़ा को पर्यटन कैपिटल बनाने का निर्णय लिया है, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पर्यटन से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये ना समझा जाए कि उससे सिर्फ होटल वाले को फ़ायदा होता है, उससे छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति को सबको लाभ होता है। वहाँ कांगड़ा वैली में अपार संभावनाएँ हैं, इसीलिए वहाँ एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब धरातल पर ये चीज़ें उतरेंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो आम जनता को होगा, उनकी आर्थिकी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा होगा। एक पर्यटन विकास योजना की भी बात हुई है टूरिज्म से जुड़ी हुई, और काफ़ी उसमें बजट भी रखा गया है। आपको लगता है कि हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, उसको और ज़्यादा इसको उभारा जा सकता है, इसमें जो स्कोप है उनको ज़्यादा उभारने की जरूरत है इस वक्त? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जितना जोर हम पर्यटन पर देंगे, तो क्योंकि हमारा प्रदेश जो है ये ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रदेश है जो कि शांति प्रिय है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देंगे, सुविधाएं देंगे, तो पर्यटक ज़रूर आएंगे और आते भी हैं, लेकिन उस नंबर में बढ़ावा हो और अच्छा पर्यटक आए तो उससे प्रदेश को लाभ होगा। सर, बजट पेश हो रहा था और हमने देखा उससे पहले विपक्ष यहाँ से काली पट्टियाँ बांधकर अंदर जाता है डिनोटिफिकेशन के मुद्दे को लेकर, क्या सही है ये, इस तरह का एक्ट जो है क्या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं उन्होंने पहले दिन से वॉकआउट शुरू कर दिए, आज बजट था तो काली पट्टी लगा करके आ गए, तो इस तरह का जो प्रचलन है मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। चुन करके भेजा गया, बात रखिए, अपने लिए समय मांगिए, बात रखिए, उसका आपको सही जवाब नहीं आता है आप दोबारा पूछ लीजिए, सदन की कार्रवाई बढ़ सकती है, लेकिन बिना कोई पूरी बात सुने अगर आप बाहर चले जाते हैं तो उससे ये लगता है कि आप जो है वो सीरियस नहीं है लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि नई नई सरकार आई है और इनको हमको घेरना है। तो ये 5 वर्ष के लिए सरकार जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और आज का बजट सुनने के बाद शायद विपक्ष को भी कुछ शांति मिली होगी। बिल्कुल, ये थे धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा, और इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बजट है और जो धर्मशाला को दूसरी, जो प्रदेश की दूसरी राजधानी भी है और इसको टूरिज्म कैपिटल बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, उससे पर्यटन की संभावनाएं वहां पर और ज्यादा बढ़ेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।